शर्म नहीं आएगी तो हमको देखने में क्या शर्म आएगी। इसलिए आप लोग थोड़ा सा अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को थोड़ा सा संस्कार दो। माता पिता खुद संस्कार में रहें और अपने बच्चों को भी संस्कार में रखें। अच्छे से सुंदर वस्त्र पहनो ना। क्या जाता है, पहले के जमाने में इतने इतने घूंघट करती थी बहुएं। पहले के जमाने में खूब महाराज घूंघट की प्रथा होती थी। आजकल नई नवेली दुल्हन भी घूंघट नहीं करती है। अब बिगड़ेगा नहीं समाज तो कहां से सुधरेगा। कथाओं में खूब जाते हो, कथा मनोरंजन का साधन नहीं है, कथा नाचने कूदने का साधन नहीं है। ये तो इसलिए हमको करना पड़ता है ताकि आप 3 घंटे कथा में बोर ना हो। इसलिए भजन गाया जाता है कथा में, इसलिए नृत्य करवाया जाता है। ओरिजिनल जब कथा होती है तो उसमें केवल हरि कीर्तन के बारे में कहा गया है कि भगवान का कीर्तन होना चाहिए। संसार में आप आए हो, ऐसी कथा को सुन रहे हो तो कथा को सुन करके कुछ न कुछ अपने अंदर ग्रहण करो। बेटियों से भी निवेदन करें, बेटों से भी निवेदन करें, भाइयों से भी निवेदन करें, बड़े बुजुर्गों से भी निवेदन करें कि दादा दादी यदि घर में भजन करेंगे तो उनका बच्चा बच्ची देखेंगे, अपने आप वह भक्त बनेंगे। यदि दादा दादी महाराज बुढ़ापे में पिक्चर देखेंगे तो बच्चे भी वही पिक्चर देखेंगे। इसलिए दादा दादी घर में बुजुर्ग हैं तो आप लोगों का निवेदन है कि रोज घर में रामायण का पाठ करें, रोज गीता का पाठ करें, रोज हम जिससे संस्कार अपने बच्चों को देंगे वैसे आपके बच्चे आपके संस्कारों को ग्रहण करेंगे। इसलिए कथा कभी बेची नहीं जाती, कथा कभी खरीदी नहीं जाती, कथा हमेशा मनुष्य जीवन के उद्धार के लिए की जाती है। जितनी आप कथा सुनो उतना कम है। हम जो लोग यहाँ से कथा सुनाते हैं ना, यदि 7 दिन की कथा में से 7 बाद भी तुमने जीवन में उतार ली तो मैं कहूंगा कि मेरा कथा सुनाना और आप लोगों का कथा सुनना सार्थक हो गया। ये तो कोई मतलब नहीं, लाखों रुपए खर्च हो भी जाएंगे परेटा में। इस साल हम आए, साल से और कोई आएगा कथा सुना के चले जाएगा, क्या मिलेगा कथा से। भाई आप लोग भगवान की कथा सुन रहे हो तो कुछ न कुछ फायदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो फायदा क्या होगा, आप खुद सुधर जाओगे, हमारा कुछ लाभ नहीं है। अब कई लोग हमको कहते हैं महाराज जी तुम इतनी जोर जोर से कथा सुनाते हो, चिल्ला चिल्ला करके कौन सुधरता है। कई लोग कह देते हैं कि महाराज जी तुम इतना चिल्ला करके, इतने परेशान होकर के कथा सुनाते हो, तुम्हारा कथा सुनाने से कौन सुधरता है। हम जानते हैं कि हम जो कथा सुना रहे हैं उससे कोई सुधरेगा नहीं, उससे कोई समझेगा नहीं, लेकिन हमें अपने आप के अंदर तो प्रसन्नता मिलेगी, हमें अपने आप के मन में तो शांति मिलेगी। एक बार किसी जंगल में आग लग गई, सुनो, एक बार किसी जंगल में आग लगी, अकेली चिड़िया गई, एक बूंद पानी भर करके लाई और जंगल की आग को बुझाती, फिर एक बूंद पानी लेकर के आई फिर जंगल की आग को बुझाती, फिर एक बूंद पानी लेकर के आती फिर जंगल की आग को बुझाती, जंगल की आग को बुझाती। कौवे ने कहा, हे चिड़िया क्या तू अकेली जंगल को आग को बुझा देगी। चिड़िया कहती है, हे कौवे मैं जानती हूँ कि इतनी बड़ी जंगल की आग को मैं बुझा नहीं सकती, लेकिन भगवान तो मुझे देख रहा है कि जिस जंगल में आग लगी थी और जिस जंगल में चिड़िया रहती थी, अकेली चिड़िया ने उस जंगल की आग को बुझाने का प्रयास किया, भले ही नहीं बुझा पाई। उसी प्रकार हम भी जानते हैं कि संसार में जो अभी ज्वालाएं चल रही है, जो संसार बिगड़ता जा रहा है, उसे हम अकेले सुधार नहीं सकते, लेकिन भगवान देख रहा है कि एक दास था जिसने समाज को सुधारने का काम किया। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है सुधरना है कि बिगड़ना है। हम तो अपना काम बड़े अच्छे से कर रहे हैं, अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। भाई हम तो क्या है, आपके चौकीदार हो आप जमींदार हो, हम चौकीदार है और चौकीदार बनकर के अपना काम बड़े अच्छे से कर रहे हैं। अब आप लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको आपका काम कैसे करना है। बाकी भगवान की लीलाएं तो खूब सुनी है, लेकिन भगवान की लीला को सुन करके उसको अपने जीवन में उतार लेना, यही भगवान की कथा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।